और अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की, जिनके दरबार में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है, फिर वो दरबार मध्य प्रदेश में हो या बिहार में। दरअसल बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर का 5 दिनों तक का दरबार चला और इस दरबार में जमकर भीड़ भी लगी। हालांकि सियासत भी खूब हुई है, बीजेपी के नेताओं ने बाबा का जमकर समर्थन किया तो जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने बाबा से दूरी बनाकर रखी। दरअसल बिहार में जाति की सियासत से कोई बच नहीं सकता है और कहा यह भी जा रहा है कि इसी सियासत को बाबा ने तोड़कर रख दिया है, जिसके बिहार सरकार तिलमिला गई है। आखिरकार 5 दिनों में बाबा ने बिहार में क्या किया है, क्या बिहार को दिया है, बाबा के जाने के बाद क्या माहौल है, पटना से संवाददाता शक्ति कुमार की रिपोर्ट देखिए। बाबा जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या लगता है? बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं तो वो दिखा के चले गए, पूरे पटना का चक्का जाम कर दिए। 5 दिन रहे, समझिए कि पनास होटल, गांधी मैदान एकदम लोगों के भीड़ से, श्रद्धालुओं के भीड़ से खचाखच भरा रहा। तो हिंदू राष्ट्र की अगर बात करते हैं तो कौन सा गलत करते हैं, कौन सा गलत करते हैं? वो तो 10 लाख से ऊपर भीड़, वो तो पूरा पटना, पूरा बिहार, पूरा देश देख लिया कि पूरा भीड़ से कोई कथावाचक आज पहली बार इतिहास में बोला है कि भाई घर से देखिए। आप लोग मीडिया वालों के माध्यम से क्या बोले कि सभी लोगों से निवेदन है कि बोले कि घर पे रह के देखें। तो अब क्या इसमें हिंदू राष्ट्र की अगर बात करते हैं और जो राजनीतिक पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले हैक कर लिए हैं, तो ये हैक कर लिए हैं? बाबा में जिनका श्रद्धा है वो लोग पहुँचे। पप्पू यादव जी भी बोलते हैं कि बाबा उबा नहीं है, ये सब ढोंगी बाबा हैं, तो फिर अर्जी लगवाने क्यों पहुँच गए? पप्पू यादव अर्जी लगाने पहुँचे, अब देख लीजिए पप्पू यादव जी अर्जी लगाने पहुँचे हैं। इस चीज़ का आग की तरफ फैला हुआ है वीडियो, आप देखिएगा, रात के अंधेरे में अर्जी लगाने पहुँचते हैं और मीडिया में बोलते हैं कि मैंने ये बाबा उबा ढोंगी हैं। बुलावा तो नीतीश कुमार जी को, बुलावा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, सभी लोगों को बुलावा दिया गया था ना, जिनको आज था वो पहुंचे। अरे विकास के काम में, अब देखिए विकास ये सब कुछ बात नहीं है। उनके लालू यादव जी के परिवार में अगर सबसे कोई श्रद्धालु और सबसे भक्ति करने वाले कोई अगर व्यक्ति है तो तेज प्रताप यादव जी हैं, चूंकि वो तो बेचारे तो विरोध कर, विरोध करके तू तो फंस गए ना बेचारे, उनको तो दर्शन करना था, चूंकि जा नहीं सकते थे, पार्टी इनका जाने नहीं देता, परिवार इनका जाने नहीं देता, इनको लोग को वोट बैंक का राजनीति करना है तो इनको जाने की परमिशन थी नहीं, तो ये बेचारे सोचे कि विरोध करके कम से कम सामने से दर्शन बाबा का कर ले। हमारा हिंदुओं की बात करेगा उसको फायदा पहुंचना चाहिए, जिसको मुसलमान से फायदा पहुंच रहा है वो अल्लाह अकबर टोपी पहन रहा है ना। अगर भाजपा हिंदुओं की बात करके वोट बैंक लेता है अच्छा है, कांग्रेस भी ले, आरजेडी भी ले, लेकिन हिंदुओं की बात करके ले, हिंदू हो के टोपी पहन के उसका भी बात करेगा तो हम लोग का भी बात करे, क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और दिन पर दिन हिंदुओं की संख्या भारत में भी कम होते जा रहा है। इसलिए बाबा तो सिखा के गए हैं कि अपना धर्म को मजबूत करो, अपना घर को मजबूत करो। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र की जो बात बाबा करके गए हैं कि बिहार से ही जो शुरुआत होगी? बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो हर एक क्रांतिकारी गतिविधि को आगे करता है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने का अगर बाबा यहाँ शुरू किए हैं तो हम लोग पूरे 13 करोड़ बिहारवासी उनके साथ खड़े हैं। और बाबा ने एक बात और कहा है कि 13 करोड़ हिंदुओं में कम से कम 5 करोड़ लोग अपने घर के झंडा और तिलक लगा के बाहर निकले, उस दिन हम समझ जाएंगे मेरा आना सफल हो जाएगा। तो बाबा गए हैं, तो बाबा जब गए हैं तो बिहारवासी का क्या रुतवा था कल और पिछला 5 दिन से वो नवद पूरा पटना जान रहा है और पूरे बिहार जान रहा है। ठीक है कि बाबा आए थे तो ये हनुमान के नाम पर चुनाव होगा 2024 का, लेकिन 2024 का जो चुनाव है ना राम के नाम पर होगा ना हनुमान के नाम पर होगा। बाबा जो आए थे बाबा अपने काम के लिए आए थे, जो हिंदुओं में सनातन सो रहा था उसको जगाने के लिए आए थे और बाबा ने ये साबित कर दिया, पूरे दुनिया को दिखा दिया कि सनातनी हिंदू फिर से जिंदा हो गया है। जो जाति की बात बाबा कर रहे थे कि जाति तोड़ के हिंदू को एकजुट कर रहे थे, क्या लगता कि जाति बिहार में टूट गई है? नहीं नहीं, बाबा ने किसी जाति को नहीं तोड़ा। नहीं, जातियों का जो बंधन है जात के नाम पर जो हिंदू बटा हुआ है, बाबा क्या उसमें सफल हुए? नहीं नहीं, बाबा का जो काम है बाबा अपने काम में सफल है, उन्होंने ये साबित कर दिया, जिस रास्ते से निकले वहाँ चक्का जाम कर दिया, सारे जात धर्म के लोग आए वहाँ और बाबा को देखा और बाबा ये साबित करके चले गए कि हिंदू एक है और हिंदू राष्ट्र का शुरुआत हो चुका है। आगाज कर शुरू में भी कहा था कि बिहार की संस्कृति सभी धर्मों का आदर करने का है और मुझे बहुत खुशी है कि बिहार में बाबा का बहुत स्वागत किया। बाबा जी धीरेन्द्र के शास्त्री जी
फिर से गया में आ रहे हैं। चलिए हम सब हनुमान जी की कथा को और भगवान की कथा को आगे बढ़ने दिया। मनोज जी, इतना इतना लोगों में श्रद्धा है कि अब कई जगहों पर आने की बात हो रही है। काली पोतना अपने मुंह पे, काली पोतना मनोज जी वो अपने मुंह पे मनोज। 1990 में जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने तो नारा दिया था, भूरा बाल हटाओ, भूमाने भूमिहार, रामाने राजपूत, बामाने ब्राह्मण, लामाने लाला कायस्थ। और उन्होंने ये नारा दे करके बिहार को जातियों में तोड़ा, धर्मों में तोड़ा और लोगों को मूर्ख बनाकर राज किया, कुछ दिन खुद किया, बाद में अपनी पत्नी को किचन से लेकर मुख्यमंत्री बना दिया। आज ये टूटे हुए बिहार को धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जोड़ा है। ये जो 15-15 लाख की भीड़ उमड़ी, ये किसी जाति की नहीं थी, वो बिहार के सभी लोगों। मैंने पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का वीडियो देखा था, तब वो उसके वीडियो में कोई पर्चा दिखा रहे थे, किसी की बीमारी कोई दवाइया का बिना उसको ठीक कर रहे थे या किसी को नौकरी लगा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कोई दिव्य शक्ति होती नहीं है, पर जो ऐसी दिव्य शक्ति की बात लेकर वो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जब सूरत में आ रहे हैं तो गुजरात में भी अंधश्रद्धा का फैलावा करने के लिए आ रहे हैं, तो हम उसका विरोध करेंगे। और उसको हमने एक चैलेंज भी दे दिया है कि गुजरात के अंदर ऐसी कोई अंधश्रद्धा फैलाने का कोई कार्यक्रम रखा ना जाए। 500 से 700 कैरेट हीरे की आप पॉलीथीन लेके उनके पास जाएंगे और आप बताएंगे, अगर वो बता दें कि इसमें कितने नंग हैं, तो आप वो हीरे की जो पूरे पैकेट है वो आप उन्हें समर्पण कर देंगे, ये मामला क्या है जी? मैंने ऐसा सोचा कि बाबा उसके कार्यक्रम में सभी पर्चा दिखा रहे हैं, तो मैं भी उसका एक दिव्य शक्ति का पर्चा देखने चाहता हूँ। इसीलिए मैंने एक ऐसा चैलेंज किया है कि मेरी कंपनी में जो पॉलिश डायमंड का 500 से 700 कैरेट का पैकेट है, मैं उसके पास लेके जाऊंगा और बाबा उसके स्टेज पर से उसके अंदर कितना पीस है वो दिखाएंगे कि इतना पीस है, जो वो सही निकलेगा तो वो पैकेट में बाबा के शरणों में अर्पण करके उसकी दिव्य शक्ति का स्वीकार करूंगा। बॉर्डर पर भी जाने की बात की है, बॉर्डर को लेकर भी आपने कुछ बयान दिया हुआ है, वो क्या है मामला? तो बात ऐसी है कि जब वो उसकी दिव्य शक्ति ऐसे सभी दरबारों में करते हैं तो बात ऐसी है कि दिव्य शक्ति दरबारों के अलावा भारत की बॉर्डर पर ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि वहाँ सभी जासूसी मामला दूसरे देशों का षड्यंत्र रहता है, तो जो बाबा उसकी दिव्य शक्ति से वो पता बता देते हैं तो जिससे भारत की सेना को बहुत अच्छा रहेगा।